एक्सरसाइज नंबर 4.4, क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 था, सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लेट आई बी द सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल। आई को हम क्या कह देते हैं कि सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल है, सिंस डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड बी सी एंड ए सी। डी और ई क्या हैं, ए सी और बी सी के मिड पॉइंट हैं। उसके अलावा रिस्पेक्टिवली लेट सी ई बार एंड सी डी बार आर द परपेंडिकुलर बाय सेक्टर ऑफ साइड्स ए सी बार एंड बी सी बार रिस्पेक्टिवली। ट्राइंगल बनाते हैं ए बी सी, पॉइंट हमें ए बी सी के गिवन है, डी हमारे पास क्या है मिड पॉइंट बी और सी का, और ई मिड पॉइंट है ए और सी का। अब आई हमारे पास क्या था, सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल, तो आई को हमने सेंटर में लिख दिया। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, फार्मूला है एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। अब एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू कहाँ से आएंगे, बी और सी के दरमियान है ना ये मिड पॉइंट, तो बी और सी के पॉइंट को लेके चलेंगे हम, तो बी के सी के पॉइंट हमारे पास क्या बनेंगे एक्स वन वाई वन, और बी के पॉइंट क्या हो जाएंगे एक्स टू वाई टू। तो लिखेंगे थ्री माइनस फोर बाई टू कॉमा फाइव प्लस वन बाई टू इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू कॉमा सिक्स बाई टू विच इज़ इक्वल टू माइनस वन बाई टू कॉमा थ्री। अब कोऑर्डिनेट निकालेंगे ई के, तो ई के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, ई किस किस का मिड पॉइंट है ए और सी का, तो सी और ए के पॉइंट यूज़ करेंगे, सी के पॉइंट एक्स वन वाई वन यूज़ होंगे और ए के पॉइंट एक्स टू वाई टू यूज़ होंगे। आंसर आएगा थ्री माइनस टू बाई टू कॉमा फाइव प्लस थ्री बाई टू विच इज़ इक्वल टू वन बाई टू कॉमा एट बाई टू इक्वल्स टू वन बाई टू कॉमा फोर। अब स्लोप ऑफ साइड ए सी बार इक्वल्स टू, ए और सी की स्लोप निकालेंगे, तो हमारे पास आएगी फाइव माइनस थ्री डिवाइड में थ्री प्लस टू, कैसे आती है वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड में एक्स टू माइनस एक्स वन विच इज़ इक्वल टू टू बाई फाइव। इसी तरह स्लोप ऑफ साइड बी सी निकालेंगे, बी और सी के पॉइंट लेके, जो कि इक्वल आएगी फाइव माइनस वन बाई थ्री प्लस फोर विच इज़ इक्वल टू फोर बाई सेवन। सिंस परपेंडिकुलर बाई सेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू दिस साइड्स, सो स्लोप ऑफ सी ई इक्वल है माइनस वन बाई टू बाई फाइव इक्वल्स टू माइनस फाइव बाई टू। परपेंडिकुलर अगर हो तो जो हम ऊपर स्लोप निकाली होती है साइड की, उसको दूसरी स्लोप से माइनस वन से डिवाइड करके दूसरी स्लोप फाइंड आउट की जा सकती है। स्लोप ऑफ सी डी इक्वल्स टू माइनस वन बाई फोर बाई सेवन विच इज इक्वल टू माइनस सेवन बाई फोर। अब इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाई सेक्टर सी ई इज, फार्मूला है वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स वन। पहले स्लोप कौन सी यूज़ करेंगे, ऊपर जो माइनस फाइव बाई टू है ये वाली सी ई के लिए, तो वाई माइनस फोर इक्वल्स टू एम की जगह पर माइनस फाइव बाई टू एक्स माइनस वन बाई टू, टू लेफ्ट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टू ब्रैकेट में वाई माइनस फोर इक्वल्स टू माइनस फाइव। एलसीएम लेंगे तो टू एक्स माइनस वन बाई टू टेन एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेंटी वन इक्वल्स टू जीरो। ये डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दिया तो ये हमारे पास क्या बनी इक्वेशन नंबर वन। अब इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाई सेक्टर सी डी इज़ वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू माइनस सेवन बाई फोर ब्रैकेट में एक्स प्लस वन बाई टू, y माइनस थ्री इक्वल्स टू माइनस सेवन बाई फोर ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे तो टू एक्स प्लस वन बाई टू। अब हमारे पास यहाँ पे आया टू फोर ज़ार एट हो गया ना नीचे राइट साइड के डिवाइड में, तो इसलिए हमने लेफ्ट साइड पे एट भेज दिया है, एट ब्रैकेट में y माइनस थ्री इक्वल्स टू माइनस सेवन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस फोर्टीन एक्स माइनस सेवन। एट को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड की वैल्यूज़ को लेफ्ट साइड पर ले आएंगे तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे, एट वाई माइनस ट्वेंटी फोर प्लस फोर्टीन एक्स प्लस सेवन इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हमारे पास आएगा फोर्टीन एक्स प्लस एट वाई माइनस सेवनटीन इक्वल्स टू जीरो। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर टू का। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू, जो वन और टू इक्वेशन आई है इसको सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। एक्स डिवाइड में फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस सेवनटीन माइनस एट मल्टीप्लाई बाय माइनस ट्वेंटी वन इक्वल्स टू माइनस वाई डिवाइड में माइनस सेवनटीन मल्टीप्लाई बाय टेन माइनस फोर्टीन मल्टीप्लाई बाय माइनस ट्वेंटी वन इक्वल्स टू वन डिवाइड में टेन मल्टीप्लाई बाय एट माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय फोर्टीन एक्स डिवाइड में माइनस सिक्सटी एट प्लस वन सिक्सटी एट इक्वल्स टू माइनस फाइव डिवाइड में माइनस वन सेवेंटी प्लस टू नाइन्टी फोर इक्वल्स टू वन बाई एट्टी माइनस फिफ्टी सिक्स। तो एक्स बाय हंड्रेड इक्वल्स टू माइनस फाइव बाई वन ट्वेंटी फोर इक्वल्स टू वन बाई ट्वेंटी फोर विच इम्प्लाइज एक्स बाय हंड्रेड इक्वल्स टू वन बाई ट्वेंटी फोर एंड माइनस फाइव बाई वन ट्वेंटी फोर इक्वल्स टू वन बाई ट्वेंटी फोर। तो एक्स इक्वल आ गया हंड्रेड बाई ट्वेंटी फोर के और y इक्वल आ गया माइनस वन ट्वेंटी फोर बाई ट्वेंटी फोर के। x इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव बाई सिक्स एंड y इक्वल्स टू माइनस थर्टी वन बाई सिक्स। पॉइंट क्या बने, x और y के पॉइंट लिखेंगे तो ट्वेंटी फाइव बाई सिक्स कॉमा माइनस थर्टी वन बाई सिक्स इज़ द सर्कम
सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी टेकिंग। अब क्या करेंगे हम, डिटर्मिनेंट लेंगे। हमने ये भी तो बताना है ना कि ये कॉन्करेंट है, तो हमारे पास जो जो इक्वेशंस थी उनके पॉइंट्स लिखेंगे, माइनस वन थ्री वन, माइनस थर्टी फोर बाई थ्री, फिफ्टी एट बाई थ्री वन, ट्वेंटी फाइव बाई सिक्स, माइनस थर्टी वन बाई सिक्स वन। अब इनका डिटर्मिनेंट लेंगे तो माइनस वन, माइनस वन वाली रो और माइनस वन वाला कॉलम नहीं लिखेंगे, हमारे पास आएगा फिफ्टी एट बाई थ्री वन, माइनस थर्टी वन बाई सिक्स वन। ये जो डिटर्मिनेंट के अंदर वैल्यूज आई हैं ये किस तरह आई हैं, जो हमने पॉइंट निकाले हैं ना उन तमाम पॉइंट्स को हम यहाँ पे लिख हमने यहाँ पे लिखा है, तो ये डिटर्मिनेंट बना है। माइनस थ्री डिटर्मिनेंट में माइनस थर्टी फोर बाई थ्री वन, ट्वेंटी फाइव बाई सिक्स वन, प्लस वन माइनस थर्टी फोर बाई थ्री, फिफ्टी एट बाई थ्री, ट्वेंटी फाइव बाई सिक्स, माइनस थर्टी वन बाई सिक्स इक्वल्स टू माइनस वन। डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो आएगा फिफ्टी एट बाई थ्री, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थर्टी वन बाई सिक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्टी वन बाई सिक्स ही आ जाएगा। माइनस थ्री ब्रैकेट में माइनस थर्टी फोर बाई थ्री, माइनस ट्वेंटी फाइव बाई सिक्स, प्लस वन फिर ब्रैकेट में वन थाउजेंड फिफ्टी फोर बाई एटीन, माइनस वन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी डिवाइडेड बाई एटीन इक्वल्स टू माइनस वन। एलसीएम लेने से आएगा वन सिक्सटीन प्लस थर्टी वन बाई सिक्स, माइनस थ्री ब्रैकेट में माइनस सिक्सटी एट, माइनस ट्वेंटी फाइव बाई सिक्स, प्लस वन और ब्रैकेट में आएगा माइनस थ्री नाइन्टी सिक्स बाई एटीन इक्वल्स टू माइनस, इनको सॉल्व करेंगे तो वन फोर्टी सेवन बाई सिक्स, माइनस थ्री इसको भी सॉल्व करेंगे तो माइनस नाइन्टी थ्री बाई सिक्स, माइनस ट्वेंटी टू विच इज़ इक्वल टू माइनस फोर्टी नाइन बाई टू, माइनस माइनस प्लस, थ्री वन ज़ार थ्री और नीचे सिक्स कैंसिल होगा तो थ्री टू ज़ार सिक्स, तो नाइन्टी थ्री बाई टू बनेगा, माइनस ट्वेंटी टू इक्वल्स माइनस फोर्टी नाइन प्लस नाइन्टी थ्री, माइनस फोर्टी फोर बाई टू। क्या किया हमने यहाँ पे, इसका डायरेक्ट एलसीएम ले लिया, इक्वल आएगा ऊपर वाली वैल्यू जो है ना सारी आपस में कैंसिल हो जाएंगी, आंसर जीरो आएगा। अगर आप कैलकुलेटर पे लिखें ना माइनस फोर्टी नाइन प्लस नाइन्टी थ्री माइनस फोर्टी फोर, तो आंसर इक्वल आएगा जीरो के, तो जीरो बाय टू इक्वल जीरो ही आएगा। जीरो को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें आंसर जीरो ही आता है। हैंड सेंट्रॉयड और दो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर कंकरेंट। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों एमसीक्यूज वो भी बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त, तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम, और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।